निबंध लेखन को लेकर ये दूसरा हमारा लेक्चर है और पहले लेक्चर के भीतर हम लोगों ने निबंध तात्पर्य स्वरूप और निबंध की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ चुके हैं और मैंने जो नोट्स पहले अपलोड किए हुए हैं इसको भी शायद आप लोगों ने देखा होगा। अब देखिए, दूसरा जो प्रमुख मुद्दा इसमें से है वह आपको स्क्रीन पर दिखेगा। निबंध निबंध के प्रकार और निबंध के अंगों को लेकर है, तो आप चाहे तो दूसरा मुद्दा लिख दीजिए, निबंध के अंग, और क्रम से मैं तीन अंग इसको बता देता हूं और फिर निबंध के प्रकारों को लेकर हम लोग विश्लेषण करेंगे। ठीक है, आप लोग लिख रहे हो पल्लवी? हाँ सर, ठीक है, लिखो राहुल और सविता, आप भी जो है इन मुद्दों को लेकर लिखे कि निबंध के अंग, और निबंध के तीन अंग हैं, एक है भूमिका, दूसरा है विषय विस्तार और तीसरा है उपसंहार। मतलब निबंध अगर बना या बनाया गया लिखा तो इन्हीं तीन मुद्दों के हिसाब से ही इसको विश्लेषित करना पड़ता है। निबंध के अंगों में तीन प्रमुख अंग इसके लिखे, क्रम से मुद्दे लिखकर रखें आप। भूमिका पहला मुद्दा, दूसरा विषय विस्तार, तीसरा उपसंहार। लिखा? यस सर। ठीक है, मैं इसमें बता देता हूं आपको, यहां एक एक वाक्य के भीतर ही विश्लेषण किया है। समझ लीजिए, भूमिका में लिखा है, यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है, इसमें विषय का परिचय दिया जाता है, यह प्रभावशाली होनी आवश्यक है जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो भूमिका के बारे में इतना लिखा है, लेकिन ये एक परिच्छेद हो सकता है, दो परिच्छेद भी हो सकते हैं, तीन परिच्छेद भी हो सकते हैं। भूमिका माने आप उसका अर्थ समझे पृष्ठभूमि। आपको जिस विषय को लेकर निबंध पूछा गया है उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी ऐतिहासिक, थोड़ी सी वास्तविक, थोड़ी सी वर्तमान के आधार पर विश्लेषित करनी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। समझ लीजिए, आपकी किताब के भीतर बाल मजदूरी और बाल श्रमिकों के लिए जुड़ा हुआ निबंध अगर दिया गया है तो उसमें आपको भारतीय पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, मैं शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, भूमिका को ध्यान में रखते हुए आपको वह क्या है, क्यों होती है, किस तरीके से होती है, कितनी उम्र के बच्चों को लेकर ये बाल श्रमिक का कानूनी गैर कानूनी तौर पर गैर कानूनी मानी गई है, कानूनी तौर पर गुनाह माना गया है, इसको आपको इसमें बता देना है। और फिर अगला जो होगा विश्लेषण आपका, मूल निबंध का अंग, मूल निबंध का हिस्सा रहेगा। तो पृष्ठभूमि के तौर पर भूमिका आपको तैयार करनी होती है और इससे जो है मूल विषय क्या है, हम लोग किन मुद्दों को लेकर विश्लेषित कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें भूमिका में पता चलती है। तो भूमिका आप माने एक दो तीन परिच्छेद में आप करवा सकते हैं। आपका निबंध कितना बड़ा है उस पर निर्भर रहेगा। अगर 2000 शब्दों के भीतर आपको निबंध लिखना है तो एक परिच्छेद 50 शब्द 60 शब्द काफी है आपको उस निबंध की भूमिका तैयार करने के लिए। देखिए, दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण अंग इसका आ जाता है विषय विस्तार को लेकर। अब आप आम तरीके से निबंध कौन सा लिख रहे हो, कौन से प्रकार के भीतर का निबंध लिख रहे हो, उसके आधार पर आप अनुच्छेदों या परिच्छेदों में लिख रहे हो, आप मुद्दों के साथ विश्लेषण कर रहे हो, आप उसमें डायग्राम लेकर आ रहे हो, आप उसमें कुछ तुलनात्मक तरीके से विश्लेषण कर रहे हो, ये आपका आपका निबंध कौन सा है और किस तरीके से लिखना चाहते हैं, किस प्रकार का निबंध है, उस पर ये चीजें निर्भर होती है। अब देखिए, आप जो निबंध लिखेंगे वो सारे के सारे वाणिज्य व्यावसायिक विषयों से जुड़े हुए निबंध रहेंगे, अर्थशास्त्रीय निबंध रहेंगे, तो ये पूरा का पूरा विवेचन अध्ययन अनुसंधान पर केंद्रित होगा। अगर आपको आर्थिक मंदी को लेकर या भारत की जो पैसों की चीजें जो बदली और डिमोनेटाइजेशन जो हो गया उसको लेकर आप अगर लिख रहे हो और उसका असर ऊपर निबंध लिख रहे हो, उसका असर क्या हुआ,
तो आपको उद्योग, व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन, किसान या कृषि आप कह सकते हो, या फिर व्यवसाय, या फिर आप कह सकते हो कि छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, मंडियां, इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर अगर आप आकलन कर रहे हो तो हर मुद्दे को लेकर आपको इसमें विश्लेषण करना पड़ेगा। और ये मुद्दों के साथ होगा, तुलनात्मक तरीकों से होगा, आंकड़ों में होगा। आप चाहे तो ग्राफ इसमें निकालना चाहते हो तो ग्राफ निकाल सकते हैं, और पूरी तरीके से एक संपूर्ण विश्लेषण विषय विस्तार के साथ यहाँ पर आप करेंगे। और लास्ट वाला मुद्दा आ जाता है उपसंहार वाला, सारांश वाला, निष्कर्ष वाला। इन विभिन्न क्षेत्रों पर जो पड़ा हुआ असर है उसको एक सारांश परिच्छेद के तौर पर, एक डेढ़ छोटे परिच्छेद के तौर पर या एक बड़े परिच्छेद के तौर पर, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हुआ है कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर, ये यहाँ पर आपको उपसंहार के तौर पर, सारांश के तौर पर बताना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप ध्यान में रखें कि निबंध के अंग तीन है, भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार। तो ये इतना संक्षिप्त विश्लेषण आपकी किताब के भीतर, ये निबंध के अंगों को लेकर विश्लेषण नहीं है। सीधे जाकर आपको निबंध का स्वरूप और तात्पर्य, और फिर निबंध के भेद, और फिर जिन निबंधों को लेकर एक डेमो दे दिया है वह एक दो तीन निबंध इसमें उपलब्ध है, यह आप ध्यान में रखेंगे। अगला एक मुद्दा आप लिखें निबंध के प्रकार। यहां पर केवल तीन ही प्रकार दे दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ निबंध के प्रकार आपकी किताब के भीतर हैं, वह आप लिखें। निबंध के प्रकार ये मुद्दा लिखिए, और उसमें एक दो तीन चार पांच छह निबंध के प्रकार दे दिए हैं, इन निबंधों के प्रकारों को आप लिख कर ले लीजिए। और इसमें क्या होता है ये मैं विश्लेषण करूंगा, केवल आप या इसको याद रखेंगे। लिखा मुद्दा निबंध के प्रकार, अच्छा ठीक है। इसमें पहला निबंध का प्रकार लिखिए वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध। दूसरा निबंध का प्रकार लिखिए विवरणात्मक निबंध। तीसरा निबंध का प्रकार लिखिए विचारात्मक निबंध। चौथा निबंध का प्रकार लिखिए व्याख्यात्मक निबंध। चौथा निबंध का प्रकार लिखेंगे व्याख्यात्मक निबंध। पांचवा निबंध का प्रकार लिखिए कल्पनात्मक निबंध। और छठा निबंध का प्रकार लिखेंगे भावनात्मक निबंध। तो ये छह उप प्रकार है। अब देखिए इन तीन निबंध ऊपर के जो वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक को लेकर यहां पर जानकारी है। वर्णनात्मक को लेकर परिभाषा क्या दे दी है, किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है। वर्णन यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। और टेबल पर निबंध लिखा जा सकता है, आप कह सकते हो कॉलेज की स्थिति और परिस्थितियों को लेकर, या फिर लॉकडाउन में अगर आर्थिक विषयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो लॉकडाउन जो हो गया उस पर उसका जो आर्थिक दृष्टिकोण से असर पड़ा उसको लेकर वर्णनात्मक तरीके से होगा। यहाँ पर मुद्दे प्रधान नहीं होंगे, एक व्यक्ति वर्णन कर रहा है, इतना ही आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें क्या दिया है, स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। वर्णनात्मक निबंध के लिए अपने विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। किस किस का वर्णन होता है, यदि विषय कोई प्राणी हो तो इसका वर्णन करते वक्त श्रेणी, प्राप्ति स्थान, आकार, प्रकार, स्वभाव, उपकार, विचित्रता एवं उपसंहार, ये इसके मुद्दे होंगे। यदि अगर मनुष्य है इसका वर्णन आप कर रहे हो तो परिचय, प्राचीन इतिहास, वंश परंपरा, भाषा और धर्म, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन और उपसंहार, ये आप ध्यान में रखें। यदि विषय कोई उद्भिद विषय है, मतलब कोई ऐसा अपरिचित विषय है जो सामाजिक परिस्थितियों के साथ संबंध रखता है, व्यक्ति नहीं है, प्राणी नहीं है, तो परिचय और श्रेणी, स्वाभाविक जन्म स्थान, प्राप्ति स्थान, उपज, पौधे का स्वभाव, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। ये प्राचीन
प्राकृतिक जीवन को लेकर ये निबंध है, उसके मुद्दे यहाँ पर दे दिए। स्थान को लेकर है, समझ लो देवगिरी ये किला है, या फिर औरंगाबाद ये स्थान है, या पान चक्की है, ऐसे अगर है, या फिर बीबी का मकबरा है, तो उसकी अवस्थिति, नामकरण, इतिहास, जलवायु, शिल्प, व्यापार, जाति, धर्म, दर्शनीय स्थान, उपसार, ये इसके मुद्दे होंगे। वस्तु है तो वस्तु की उत्पत्ति प्राकृतिक या कृत्रिम प्राप्ति स्थान किस अवस्था में पाई जाती है, कृत्रिमता का इतिहास, उपसार। तो ये जो है इसको लेखन के तरीके आप अपने तरीके से बना सकते हो, ये डेमो है, कुछ मुद्दे हैं आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन आप अपने तरीके से ही इसके मुद्दे बना सकते हो। पहाड़ को लेकर देखिए, परिचय, पौधे, जीव, वन, गुफाएं, नदियां, झीले, देश, नगर, तीर्थ, उपकरण और शोभा, वहां बसने वाले मानव और उसके जीवन को लेकर विश्लेषण इसमें कर सकते हो। तो ये होगा वर्णनात्मक निबंध का तरीका। विवरणात्मकता को लेकर क्या परिभाषा है, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक तरीके से, इसमें वर्णन होगा लेकिन बिल्कुल विस्तृत तरीके से स्पष्टीकरण विवरणात्मक निबंध कहलाता है। इसमें क्या यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण आदि का विवरण लिखा जाता है। विवरणात्मक निबंध लिखने के लिए दिए गए विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटा जाता है। यदि विषय ऐतिहासिक है तो घटना का समय एवं स्थान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कारण, वर्णन एवं फलाफल, इष्ट अनिष्ट की समालोचना एवं आपका मंतव्य। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, मैच को लेकर अगर आप विवरणात्मक विश्लेषण कर रहे हो, समझ लो एक ओर है और उसका विवरणात्मक तरीके से विश्लेषण कर रहे हो, कमेंट्री करने वाला व्यक्ति अगर है तो सीधे तरीके से कहेगा कि कोई खिलाड़ी बॉलिंग अगर कर रहा है तो वो लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, किस तरीके से किया, गेंद किस तरीके से फेंकी, बैट्समैन ने इसको डिपेंड किया या इसको मारा या चौका या सिक्सर गया है, उसको लेकर किस तरफ गया है, ये इसका विवरण होगा, बराबर है। लेकिन तुरंत ये कमेंटेटर बता देगा, क्योंकि इसको अगर ज्यादा उसको खींचते गया तो दूसरी गेंद फेंकी जाएगी और दूसरी गेंद खत्म भी होती जाएगी, इसकी कमेंट्री खत्म नहीं होगी। लेकिन बाद में अगर आप क्रिकेट बेंच पर गए हो ना, तुरंत क्या हुआ है ये वहां पर होता है कमेंट्री, और बाद में आपको 1 मिनट बाद दूसरी तीसरी चौथी गेंद भी फेंकी गई है, वो पहले अपडेट जो है आपको दिखेगा, और लंबा एक दो परिच्छेद तीन परिच्छेद के भीतर इसको किया जाता है, वह होता है विवरण, विवरणात्मक। लेकिन तुरंत कमेंट्री, एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य के भीतर दूसरी गेंद पढ़ने से पहले वो करनी है, वो की जाती है, वो बताई जाती है, वो लिखी भी जाती है, लेकिन विवरण बाद में आ जाता है। तो ये विवरण मैच को लेकर आप ध्यान में रखें, तो ये विवरणात्मकता यहां पर आपको करनी है, और चाहे किसी वर्णन ही होता है लेकिन विवरणात्मक तरीके से विस्तृत और व्यापक तौर पर ये यहां पर आ जाता है। तो विवरणात्मक तरीके से जो निबंध लिखे हैं जाते हैं उसमें ये बात आप ध्यान में रखेंगे। विचारात्मक निबंध है जिसमें सोच, विचार, चिंतन, दार्शनिक बातें, गंभीरता से तुलना, ये चीजें इसमें आ जाएगी, आ जाती है विचारात्मक निबंधों में। किसी के गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। गांधी जी के निबंधों को अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सारे के सारे विचारात्मक निबंध होते हैं, वर्णनात्मक या विवरणात्मक नहीं होते और न ही भावात्मक होते हैं, ये सारे के सारे विचारात्मक निबंध होते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। आपको चिंतन करने के लिए मजबूर कर देते हैं, न ही भावनात्मक होते हैं, न ही कल्पनात्मक होते हैं, न ही व्याख्यात्मक होते हैं, ये आपको विचार करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करते हैं और आपको सही रास्ता भी दिखा देते हैं। तो यहाँ परिच्छेद क्या है, इसमें निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता है, इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। विचारात्मक निबंध उक्त दोनों प्रकारों से अधिक श्रम साध्य होता है, अतः इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस तरह के निबंध लेखन के लिए छात्रों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, श्री हरि दामोदर आदि का नाम उल्लेख किया है, मैंने यहाँ पर गांधी जी का नाम उल्लेख किया। तो ये निबंध जो है विचारात्मक होते हैं और हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ये कुल मिलाकर तीन निबंध के प्रकारों को लेकर यहाँ पर बात की है। इसके अलावा मैं आपको आपकी किताब का जो अंश है वह खोल कर दिखा देता हूं, ताकि आप इसको अगले
प्रकारों के तहत समझ सकते हैं। व्याख्यात्मक निबंध, इसमें देखें कि किसी विषय पर व्याख्या करके लिखे जाने वाले निबंध व्याख्यात्मक निबंध कहलाते हैं। लोकोक्तियां उद्धरणों, साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसी परिभाषा वाले साहित्यिक विषयों, निराला की काव्य साधना अथवा प्रेमचंद के लेखन का राजनीतिक मूल्यांकन, ये व्याख्यात्मक निबंध होता है। समझ लो कोई किताब आप पढ़े तो उस पर व्याख्यात्मक निबंध लिखने के लिए कह दिया जाएगा। समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको कह दूं कि आपको अगर पढ़ाई के लिए अंबानी या फिर मुकेश अंबानी की कोई किताब रखी हुई है तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि इस किताब को लेकर आप व्याख्यात्मक निबंध लिखिए 15 अंकों के लिए। अगर आपको सवाल पूछा गया तो इसका लेखन का तरीका जो है ना वह व्याख्यात्मक ही होगा। आप उसको उसके भीतर जो है जैसे निराला के काव्य साधना प्रेमचंद के लेखन का राजनीतिक मूल्यांकन होता है उसी तरीके से उसका मूल्यांकन करेंगे। कहाँ कहाँ पर ये सफल हो गए, कौन सी चीजें, कौन से निर्णय इनके गलत हो गए, फिर यहाँ से वो किस तरीके से उभरे, फिर किस तरीके से स्थापित हो गए मार्केट के भीतर, और फिलहाल उनकी स्थितियां क्या है, और ये सब कुछ व्याख्यात्मक तरीके से होगा, विवेचन होगा। तो ये व्याख्यात्मक निबंध की कसौटी होती है। व्याख्या की जाती है, स्पष्टीकरण किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। पांचवा निबंध का प्रकार आपके लिए उपयोगी नहीं है और छठा भी नहीं है। आपके लिए ऊपरी जो चार निबंध के प्रकार है वही व्याख्यात्मक निबंध, विवेचनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और व्याख्यात्मक निबंध, ये आपको कॉमर्स फैकल्टी के भीतर उपयोगी है। कल्पनात्मक निबंध और भावनात्मक निबंध ये सीधे साहित्यिक दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे निबंध हो सकता है आपने 10वीं तक लिखे होंगे कि समझ लो आप पंछी हैं, आप प्रधानमंत्री बने, आप शिक्षक बने, तो ये इस प्रकार के जो निबंध हैं तो उन निबंधों में ये कल्पना और भावनात्मकता जो है प्रधान रहती है। कल्पनात्मकता का एक परिच्छेद क्या लिखा है कि जिन निबंधों में कल्पना तत्वों को प्रधानता होती है उन्हें कल्पनात्मक निबंध कहते हैं। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, रुपए की आत्मकथा आदि निबंध इसी श्रेणी के आते हैं, श्रेणी में आते हैं। भावनात्मक निबंध में क्या कहा है, इन निबंधों में लेखक का अनुभव और उसके भावना को यथास्थान संभव स्थान प्राप्त होता है। निबंध का अर्थ बंधा हुआ है, अतः विचार सुगठित, सुसंबद्ध और क्रमबद्धता लिए होने चाहिए। इसमें निबंध लेखक की भावनाओं को प्रधान स्थान होता है और वह अपनी भावनाओं पर सवार होकर उस निबंध को लिखने की कोशिश कर देता है। वह क्या सोचता है, लेखक क्या सोचता है, उसके विचार क्या है, वह इसको लिखते वक्त किन भावनाओं से गुजर रहा है, तो ये भावनाएं इसकी इसकी संवेदनाएं इसके भीतर प्रधान होती हैं। तो कुल मिलाकर आप ध्यान में रखेंगे कि ये 3 निबंध के अंग और 6 निबंध के प्रकार हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई प्रकार बनते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि निबंध के प्रकार कितने हैं बता दो, क्योंकि निबंध के प्रकार इन 6 प्रकारों के अलावा भी हैं। कुछ जगहों पर 4 है, कुछ जगहों पर 6 है, कुछ जगहों पर 7 है, कुछ जगहों पर 3 है, तो ये निश्चित आंकड़ा नहीं है। नतीजन ऐसे कंफ्यूजन निर्माण करने वाला एक वाक्य में उत्तर दो या फिर ऑब्जेक्टिव आपको पूछा नहीं जाएगा। अगर आपको पूछा जाएगा तो वर्णनात्मक निबंध किसे कहा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा, और नीचे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से एक ऑप्शन जो है वर्णन प्रधान निबंधों को, वर्णन प्रधान या वर्णनात्मकता, इसमें इसकी चरित्रगत विशेषता जो बनती है वह, विवरण स्पष्टीकरण को, विचार चिंतन को लेकर प्रधान बनकर आ जाता है, व्याख्या स्पष्टीकरण को लेकर ही आ जाती है या उसकी गुण और दोषों की व्याख्या इसमें की जाती है, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों की व्याख्या इसमें की जाती है, कल्पना में कल्पना प्रधान होती है, भावना में भाव प्रधान होते हैं। तो एक एक वाक्य इसका जुड़ जाता है इसके साथ और इसी को लेकर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अंगों को लेकर भी 3 अंग मैंने बता दिए, लेकिन इसके अलावा निबंध के अंग और भी बढ़ सकते हैं, तो उसको लेकर भी स्पेसिफिक प्रश्न जो है पूछा नहीं जाएगा, आपको उसके अंगों के भीतरी हिस्सों को लेकर सवाल जवाब होंगे। तो आप मान कर चले कि ये निबंध वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा,
और इसके बाद जो है इसको लेकर मैं विश्लेषण नहीं करूंगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, या फिर इसके बाद का जो एक और निबंध दिया है, बैंक राष्ट्रीयकरण का देश की राजनीतिक स्थितियों पर कौन सा प्रभाव पड़ा है, बाल में भारत में बाल श्रमिक या मजदूरों की स्थितियों को लेकर, या बाल श्रमिक का जो है वो क्या है, किस तरीके से की जाती है, उनको मजदूरी करने के लिए मजबूर किस तरीके से किया जाता है, फिर उनका सही उनको पेमेंट दिया जाता है या नहीं, वेतन दिया जाता है या नहीं, ये आप लोग पढ़े इसको और पढ़कर समझने की कोशिश करें। अगर हालात ठीक नहीं रहे और डिस्क्रिप्टिव उत्तर के तौर पर ऑफलाइन परीक्षा हो गई और 50 अंकों की परीक्षा या 80 अंकों की, क्रेडिट बेस सिस्टम के भीतर के 80 अंकों की परीक्षा हो रही है, तो हो सकता है आपको एकाध निबंध 15 अंकों के लिए पूछा जा सकता है। अगर 80 अंकों की परीक्षा हो रही है तो उसमें 20 अंक, 80-20 वाली हो रही है तो 20 अंक हमारी तरफ से आपको मिल जाएंगे, और 80 अंकों की जो परीक्षा हो जाएगी उसका पैटर्न 20 अंकों का एक वाक्य में उत्तर दो वाला है, और बाकी जो 4 प्रश्न आपको लिखने हैं वो 15 15 15 अंकों के हैं। 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 7 में से 4 या 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 में से 4 कोई प्रश्न लिखने हैं, हो सकता है एकाध प्रश्न उसमें निबंधों को लेकर पूछा जा सकता है, या कोई निबंध लिखो इस तरीके से भी आपको कहा जा सकता है। तो डेमो के तौर पर ये 3 निबंध है, तो इसके अलावा भी कई विषय जो है यहाँ पर बन सकते हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए आपके आसपास का जो एक सामाजिक माहौल है उसको जो है पढ़े और समझे। नहीं ये अब देखिए कौन पूछ रहा है, सविता पूछ रही कॉलेज शुरू होगा या नहीं होगा, ये फिलहाल स्थितियां कुछ निश्चित नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को सूचना जाती है और यूनिवर्सिटी सभी कॉलेजों को आदेश दे देती है। फिलहाल इस तरीके से सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सोमवार से जो है 4 तारीख जो बताई जा रही है वह 10वीं 11वीं और 12वीं को लेकर ये सूचना निकली हुई है, हाईस्कूल को लेकर ऑलरेडी सूचनाएं निकल चुकी है और 12वीं तक के कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे, ये सूचना निकल चुकी है, लेकिन सीनियर कॉलेज को लेकर जो है फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है, और सरकार की तरफ से एक अलग से या शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यूनिवर्सिटियों को ये आदेश मिल जाएगा और फिर वो आदेश कॉलेज को लागू किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉलेज मतलब कॉलेज के लेक्चर जो है लगातार शुरू है और सितंबर से शुरू है, इन स्थितियों में हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के लेक्चर भी नहीं शुरू थे, तब से हमारे लेक्चर शुरू है, और गवर्नमेंट स्कूल का मैं बोल रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल थे उनके ऑनलाइन लेक्चर शुरू हो गए थे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के लेक्चर जो है शुरू नहीं हुए थे, नहीं जूनियर कॉलेज के शुरू हुए थे, अब उनके लेक्चर जो है ऑनलाइन के तौर पर 1 महीना शुरू हो चुके हैं। हम लोग लगातार 4th महीना सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 4 महीने अपनी लगातार पढ़ाई शुरू है, तो नतीजा अपना ये है कि हिंदी का सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आप मानकर चले कि मेरी तरफ से आपको जो देना था वह पूरी तरीके से मैं दे चुका हूँ। सोमवार के दिन निबंध लेखन को लेकर जो है ऑब्जेक्टिव की 10 अंकों की परीक्षा जो है मैं आपकी ले लूंगा, उसको तैयार करके अभी मेरे पास समय है तो 10 अंकों को लेकर सवाल मैं पूछूंगा। तो हम 5 टॉपिक पढ़े हैं और इन्हीं 5 टॉपिकों को लेकर, प्रत्येक टॉपिक को लेकर 10 10 10 10 अंकों का सवाल मैं आपको पूछ चुका हूँ, 5 टेस्ट हो चुकी है, बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी मतलब 4 हो गई और 5वीं होने जा रही है, तो किसी के इतने टेस्ट नहीं हुए होंगे, इतना एनालिसिस भी नहीं हुआ होगा, इतनी चर्चा भी नहीं हो गई होगी, तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूं कि आपको 100 पीस भी दे दूं, तो आप सोमवार के दिन उपस्थित रहे, हम लोग टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं मानता हूं कि ये लेक्चर अपना खत्म हो चुका है। ओके थैंक यू। ओके।